हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ये द हिंदू पेपर एनालिसिस का वीडियो है। सुबह आते हैं वीडियो, शाम को आते हैं द हिंदू द पीआरबी के एनालिसिस के वीडियोस, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेसन्स आते हैं, तो दोनों लैंग्वेज आप इसको फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है जो पीडीएफ है वो आपको डेली मिल जाता है स्टडी आईक्यू वेबसाइट के ऊपर, जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, और जो फेसबुक का ग्रुप मेरा बना हुआ है उसके ऊपर भी आप ये सारा डेली मिल जाता है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी लेसन छोड़िए मत, पीआईबी का पूरा पूरा आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम के अंदर। और ये जो कोर्सेज हैं स्टडी आईक्यू के, इनको आप मंगवा सकते हो इन नंबर पे कॉल करके, और चैट सेक्शन अवेलेबल है यहाँ पर। कोई भी अगर इनको आपको कन्फ्यूजन है इनके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो ये बेस्ट कोर्सेज हैं, और जो आगे अपीयर होंगे 20 में, 21 में, 22 में, उनके लिए इससे अच्छा कोर्सेज आप जो है आपको नहीं मिलने वाले हैं। घर बैठ के आराम से आप पढ़िए, जितना टाइम आपको पढ़ना है, जितनी बार आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। आपको बस अपना मोबाइल या लैपटॉप चाहिए और बस आप अपना पूरी पढ़ाई यूपीएससी की या किसी भी एग्जामिनेशन की कर सकते हो। 60% ऑफ भी अभी चल रहा है इन कोर्सेज के ऊपर। ये वर्ड्स मुझे मिले हैं। अब बात करते हैं वाराणसी के। डब्ल्यूएचओ की लिस्ट आई थी, उसके अंदर मोस्ट पोल्यूटेड 15 सिटीज जो थी उसमें 14 इंडिया की थी। बहुत ही शॉकिंग और एक शेमफुल चीज़ है, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी उठाता है, जिसमें जितने हमारे क्लेम्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क भी उठाता है। अब डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक तो इक्वालिटी वाले इश्यूज की प्रोग्रेस कर कौन रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं 1% लोग, और जो बाकी जो लोग हैं उनका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है और अधिकतर लोगों का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और दूसरा जो इशू है वो है एनवायरनमेंट का, जो क्लाइमेट चेंज का, एनवायरनमेंट का, जो पोल्यूशन है, इन सब के इश्यूज हैं। अब देखिए इसमें जस्ट उल्टी बात है, जो 1% जो लोग हैं वो इससे अनअफेक्टेड रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है वो सारा इसकी मार झेल रहे हैं। आप फोटो में देख रहे हैं कैसे जितनी गरीबी होती है उतनी ही खराब जगह रहने को मिलती है, उतनी खराब जगह, अनहाइजीनिक कंडीशन रोड के ऊपर, रोड साइड में और निचली जगहों में, वहां पर रहने को मिलता है। तो चाहे बारिश आती है, चाहे पोल्यूशन होता है, तो हर जगह ये लोग परेशानी में रहते हैं। तो थर्ड नंबर पे वाराणसी, वाराणसी की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन भी सिटी का हुआ है, काफ़ी सारी मतलब रोड्स वगैरह अच्छी बनाई गई हैं, ये सब वहाँ का लोकल एक मतलब फीडबैक है, लेकिन जो पोल्यूशन का जो इशू है वो बहुत खतरनाक है, और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। और इसमें इशू ये है कि हर टाइम कोई भी दिन ऐसा नहीं है पूरे साल में जहां पर दिन पोल्यूटेड नहीं रहा हो, और एटमॉस्फेयर में ये धूल धुआं ये सब नहीं रहा हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों पे है, इसलिए ये सारा जो है वो पूरे शहर में फैल जाता है। अब कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो 227 डेज इन्होंने मतलब इवेलुएट किए थे, जो मॉनिटरिंग की थी, उसमें एक इशू ये था कि सिर्फ एक ही मॉनिटरिंग सेंटर है यहाँ पर, एक ही मॉनिटरिंग जो सेटअप है यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा बायोमास बर्निंग, व्हीकुलर एमिशंस, ब्रिक किल्न्स जो हैं, डीजल जनरेटर सेट्स, ये सारे बहुत पोल्यूशन करते हैं। तो इनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जरूर से इस बार आपसे पूछा जाएगा, या तो ये पूछ लेंगे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं इनमें, NOx, SO2, आपसे ये पूछ लेंगे कौन से लिस्ट आई थी, इसमें किसका कितना नंबर है। दूसरा ये पूछ लेंगे PM 2.5 और 2, और जो PM 10 है वो किस किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं, और आपको पता होना चाहिए पीएम 2.5 जो होता है वो छोटा होता है, उसकी जो साइज है उसके हिसाब से 2.5 रखा गया, और छोटा इसका मतलब ज़्यादा वो आपकी बॉडी में जा सकता है जब आप सांस लेते हो उस टाइम पर, और वो फिर आपके फेफड़ों से आपके सेल्स में पहुंच जाता है, और इसमें डेंजरस केमिकल्स होते हैं, और वो फिर आपको कुछ भी बीमारी दे सकते हैं। तो इसमें एक ही मॉनिटरिंग सेंटर है, ये बहुत बड़ा इशू है कि इतनी प्रोग्रेस हुई है तो इसमें मॉनिटरिंग सेंटर जो है पोल्यूशन के वो क्यों नहीं बढ़ाए गए। अब इसमें ये हो गया कि एक तो वो है नहीं, तो डेटा नहीं अवेलेबल है, और प्रॉब्लम साफ साफ दिखती है कि ये परेशानी है। तो ब्यूटिफिकेशन अकेला करने से काम नहीं चलेगा, जब तक हम जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसका जब तक मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जा सकती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सिटी बहुत सुंदर है लेकिन लोग बीमार घूम रहे हैं तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इसलिए ये जो नेशनल क्लीन एयर कैंपेन चलाया था मिनिस्ट्री ने, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, तो उसमें ये टारगेट इन्होंने बनाया था कि 100 सिटीज़ को और 20% तक उनका पॉल्यूशन कम करेंगे 2024 तक। तो ये टाइमलाइन दिया था पहली बार, जो लास्ट ईयर ये डेटा निकला था, पहली बार टाइमलाइन दिया, ये सबसे अच्छी बात थी इसकी, टाइमलाइन दिया गया है। अब इसमें अगर नहीं होता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी, क्योंकि आज से पहले जो प्रोग्राम होते थे उसमें टाइमलाइन नहीं दिया होता था, तो टाइम बाउंड मैनर में ये सब नहीं होता था। तो ये इसमें वेरी पुअर कैटेगरी में जो एक इनकस का स्टेटस हमेशा रहता है उसमें, उससे निजात मिल सकती है अगर ये स्टेप्स उठाए गए तो, और ये मॉनिटरिंग सेंटर्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बड़ा इशू हो गया कि आजकल अगर कोई क्वालिटी चेक ना हो, कोई मॉनिटरिंग सेंटर ना हो, तो डेटा नहीं निकलता, तो फिर ये दिखाता है कि सब प्रोग्रेस अच्छी है, क्योंकि डेटा आएगा तो पता लगेगा ना प्रोग्रेस अच्छी है कि नहीं है। तो ये इशू इसमें है। और तीसरे नंबर पर वाराणसी है, कानपुर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी थी, और ये 2018 का WHO का ही डेटा था, ठीक है। नेक्स्ट IMPI, ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, US में रहते थे, और इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स पूरी दुनिया भर में बनाई हैं, उनकी डेथ अभी हो गई है, तो आपसे पूछ सकते हैं।
चाइना में पैदा हुए थे लेकिन बाद में अमेरिकन हो गए थे. नेक्स्ट, चाइना होस्ट करने वाला फेस्ट ऑफ इंडियन न्यू वेव. हर साल चाइना क्या करता है, कुछ जो दूसरे देशों की जो मूवीज होती हैं उनकी जो थीम्स होती है उसको अपना शोकेस करता है. तो अभी अक्टूबर के अंदर क्या होने वाला है, इनका एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और उसका जो प्लेस है वो है पिंग्याओ. तो पिंग्याओ फिल्म फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर इंडिया की मूवीज दिखाई जाएंगी. एक बंगाली डायरेक्टर हैं जिनका नाम है घटक, जो उनको जो है काफ़ी फेमस और क्लासिक एक डायरेक्टर थे. 70s 80s में मूवी बनाते थे और 50s में 60s में भी बनाई थी. तो उस टाइम की मूवीज़ जो हैं वो शोकेस की जाएंगी और ये चाइना में हो रहा है, पहली बार हो रहा है इंडिया की जो मूवीज़ हैं जो रेट्रो मूवीज़ जो हैं वो दिखाई जा रही हैं. तो ये एक अच्छा मूव है. कल्चरल जो मूव होता है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसको बोल सकते हैं, वो उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कल्चर यूज़ होता है हमारा, कोई पर्टिकुलर मूवीज़ वगैरह जो होती है वो शोकेस होती है, तो उससे जो है कल्चरल जो इंटरेक्शन जो वो बढ़ता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है रिलेशंस के अंदर. जब रिलेशंस में देखिए आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो आपस में हमेशा कोऑपरेशन रहती हैं. तो ये आम लोगों से जुड़ी हुई बात है, इसलिए कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा बढ़ता है. तो अभी कैंस का फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और उसके अंदर भी ये मूवीज़ वगैरह दिखाई जा रही हैं. तो अभी ये अक्टूबर में होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, ये आर्टिकल्स हैं, पॉलिटिकल है नहीं, ज़रूरत हमें इसको डिस्कस करने की. ये सारा ग्राउंड रियलिटी वाला जो ग्राउंड रिपोर्ट जो आती है ये इसी के रिगार्डिंग है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग के रिगार्डिंग है और कुछ इश्यूज जो हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं उसके रिगार्डिंग ये बताया गया है. नेक्स्ट, एक्सटर्नल वूज, इसके अंदर बात ये बोली गई है कि एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना है, ठीक है. और अभी जो एक लल फेस चल रहा है उसके अंदर बड़ी दिक्कत है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी ट्रबलसम है. कल हमने इतना डिटेल में इसको पढ़ा था कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग चाहिए. और इसमें इशू ये है कि जैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 51.9 बिलियन डॉलर का हो चुका है, 51.9 बिलियन डॉलर. तो 51.9 बिलियन डॉलर जो कोई छोटा अमाउंट नहीं है, पिछली बार ये 48 के आसपास था और अभी ये 52 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है. तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा, एक तो जो गोल्ड का इंपोर्ट जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, वो कॉज ऑफ कंसर्न है. दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 3% से कम हो गया है अगर डॉलर टर्म में देखा जाए तो. और उसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं. देखिए, क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रिफाइनरीज में बनने के रिफाइनरीज में जो बनते हैं और वो बाहर से जो निकलता है, प्रोडक्ट जो निकलता है उससे जो और बनते हैं बाकी, उनका एक्सपोर्ट इंडिया करता है. तो काफ़ी अच्छा मार्केट है इंडिया का उसके अंदर एक्सपोर्ट का, और हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें. अब वो एक चीज़ पॉजिटिव है, बाकी जो फेज़ है वो काफ़ी प्रॉब्लम वाला है. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम है. हमने कल देखा था कि कितना उसमें एक सीवियर फेज चल रहा है, 10-ईयर लो के ऊपर वो चल रहा है. तो ऐसे में हमारी पॉलिसी फेलियर तो एक है ही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत हमें है जैसे मैंने आपको कल बताया था, और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी होनी चाहिए. ये होगा तभी चीज़ इंप्रूव हो सकती है, अदरवाइज ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो राइज होता जा रहा है. अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ हम खर्च कर रहे हैं लेकिन उतना हमें कमाई नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उधार बढ़ता जा रहा है. और जब उधार बढ़ेगा तो वो कहाँ से चुकेगा, वो हमारे ही जेब से कहीं ना कहीं से निकलेगा. तो ऐसे में कुछ इश्यूज हैं, जैसे गोल्ड का इंपोर्ट है. अब गोल्ड के लिए इतना इंडिया के अंदर नीड है, जैसे हमारा कस्टम का हिस्सा है, कस्टम्स का जो रिचुअल्स का शादियों में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है लेकिन उसमें हम कोई कब नहीं लगा पाते, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है और डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे में इसको हमें देखना होगा, ये एक्सटर्नल वोज है, मतलब सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिया के इकोनॉमी के साथ में बाहर की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारे एक्सटर्नल ट्रेड की हैं, जो वर्ल्ड इश्यूज की हैं और जो हमारी कैपेसिटी के इश्यूज हैं कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, उससे रिलेटेड है. तो ये सारे के सारे हमें किधर धकेल रहे हैं, थोड़ा सा एक पुशबैक दे रहे हैं हमें इसको इंप्रूव करने की जरूरत है. और एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा किसी कंट्री का उतना ही वो मजबूत होती है. चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट भी उसका बहुत ज़्यादा चाइना का, लेकिन एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसको मतलब पॉजिटिविटी है उसके ट्रेड के इश्यूज के अंदर और ये डेफिसिट इतना राइज नहीं होता है. लेकिन यहाँ पर इंडिया के साथ ये दिक्कत है क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, जो हमने कल देखा था, वो प्रॉब्लमेटिक है. क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से सीधा सर्विस इकोनॉमी की तरफ जंप कर लिया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो इतनी स्ट्रांग हुई ही नहीं कभी, और वही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा डिपेंडेंस रहता है. तो ये इशू था GS पेपर 3 के लिए, ये इंपॉर्टेंट था और 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिसी इशूज़ की बात है और ये हमारे काम का नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे. ये वाला हम जरूर से डिस्कस करेंगे, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. देखिए, बात रिपीटेड है इसमें भी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर जो हमारा एक्टिवनेस बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग इसमें सारी बात बोली गई है. GS पेपर 2 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा.
ये इशू है ब्रेक्जिट का हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और इसका इशू सॉल्व हो नहीं रहा है, बस ये बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे पार्टीज जो है उनका इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है। और अभी जो ब्रेक्सिट के साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट इशू में जो डिस्कस हुआ है वो है जो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस जो हो रहे हैं पार्लियामेंट के लिए उसके अंदर है, तो वो 500 से ऊपर उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, उसका चुनाव होता है, तो उसके रिगार्डिंग उसका इशू जो है वो टोटली ब्रेक्सिट से रिलेटेड हो गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू हो गया है यूरोपियन यूनियन के लिए और ब्रिटेन दोनों के लिए ही, सॉल्व हो नहीं रहा है, इसलिए वो काफी ट्रबल में है इस टाइम पर। तो आगे चलते हैं, इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। चार्टिंग ए क्लियर कोर्स इन द इंडो पैसिफिक, द इंडो पैसिफिक विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गिव्स स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस टू इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। देखिए कोहरेंट तो होने वाला है लगातार, ये हमारा इसके ऊपर फोकस है, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई और सारे इन देशों के साथ में हमारा जो एक इंटरेक्शन है वो बढ़ा है, RCEP जो आसियान के साथ हुआ हमारा, और जो सेपा है वो भी इधर ही कंट्रीज के साथ में, जो ईस्टर्न कंट्रीज उनके साथ में ही है, फिर हम आसियान प्लस 6 के मेंबर भी बन गए हैं, क्योंकि इधर जो पैसिफिक विंग जो उसकी है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंडिया भी आते हैं, वो आसियान प्लस 6 में आ गए हैं अभी, तो आसियान प्लस 6 काफी एक इंपॉर्टेंट एक ग्रुपिंग हो गया है। और RCEP जो उसके अंदर है, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो RCEP जो है रीजनल कॉम्प्रेसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आसियान और इंडिया के बीच में। अब इन सबके बीच में कॉमन चीज क्या होती है, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। अब फिलहाल अभी क्या किया गया है कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इंडो पैसिफिक विंग जो है वो क्रिएट किया है इसके अंदर। अब बात इसमें पुरानी वही है सारी, लेकिन इसको क्लब किया गया है किस किस को, एक तो देखिए जो आसियान रीजन है उसका जो फोरम है वो इसके अंदर आएगा, दूसरा जो हमारा जो सारा मतलब इंडियन ओशन एसोसिएशन के साथ में जो जितना भी जो इश्यूज चलते हैं वो सारे इसमें क्लब होंगे, दूसरा क्वाड ग्रुप है हमारा, क्वाड ग्रुप जो है मैंने कई बार आपको बता दिया है, ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया और USA इसके अंदर है, चार ये देश हैं इसके अंदर, और ये भी इसी के अंदर आए हैं, और आसियान के साथ जो हमारा जितना भी रीजनल कोऑपरेशन है वो सारा इस इंडो पैसिफिक विंग के अंदर सारा मैनेज होगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये हमारा एक तरह से अच्छा मूव है और ये एक्टिव मूव है, और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उन सब के आगे बढ़ेंगे अभी हम, इकोनॉमिक इश्यूज और ट्रेड इश्यूज इन सबको इसमें क्लब किया जाएगा, कल्चरल इश्यूज इन सबको क्लब किया जाएगा, तो ये सारा एक्टिवनेस है हमारा। अब इससे पहले क्या किया, अमेरिका ने जो एक अपना खुद का आर्या जो लॉन्च किया था, आर्या जो एक्ट था वो क्या था, वो एक्ट उसके अंदर था एशिया पैसिफिक रीजनल इनिशिएटिव एक्ट, रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट था, ARIA रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट था ये, और ये सारा इसी रीजन के रिगार्डिंग था, उसने मॉनेटरी सपोर्ट की बात की है यहाँ पर डेमोक्रेसीज को, और ट्रेड वगैरह को फैसिलिटेट कर ट्रेड करने के लिए भी उसने फाइनेंशियल हेल्प की बात की है, और सारा उसका एम यही है कि चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि उसका प्राइमरी एम चाइना के अगेंस्ट में वहाँ पर डोमिनेंसी दिखाना है, क्योंकि वो एक्टिव है वहाँ पर साउथ चाइना सी में, उधर सारा एक्टिव है ही, वो पैसिफिक ओशन के अंदर बढ़ रहा उधर, और इधर इंडो पैसिफिक जो ओशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर उसको काउंटर करना है चाइना को, तो चाइना का जो राइस है वो अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, और वो सबसे बड़ा इशू उसके लिए हो गया है, सबसे बड़ा राइवल उसको मिल गया है, जिसे हमने कल देखा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो पहली बार हो रहा है, तो ये उसके समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उसको डील करे, क्योंकि इश्यूज बहुत सारे हैं, और वैसे ट्रंप जो हर चीज़ को पुश करता जा रहा है, जैसे ईरान को इशू को कितना पुश किया है, अभी चाइना के साथ में ट्रेड वॉर्स को कितना ज़्यादा पुश किया जा रहा है, तो परफेक्टली ये उसके मोटिव में है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और इसमें काउंटर करना किसी भी तरह से, और उसमें इंडिया राइवल है चाइना का पहले से ही, इसी एरिया में चाइना उसको सर्कल भी कर रहा है, इसलिए इंडिया उसके लिए बहुत शानदार एक वो हो गया है कि एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक रीजन हो गया है इंडिया अमेरिका के लिए कि उससे चाइना काउंटर होगा, तो वो हर तरह से एग्रीमेंट भी कर रहा है इंडिया के साथ में, और खासकर इधर ही हमने लेमोआ किया है, इधर ही हमने जो है कोमकासा वगैरह की है, जो मेनली इसी एम को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने सारे पुटअप किए हैं यहाँ पर। अब इसमें इंडिया जो है इंडो पैसिफिक को जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंस की तरह देखता है, और 10 आसियान कंट्रीज जो हैं जो इन दोनों ग्रेट ओशंस को पैसिफिक और इंडिया जो इंडियन ओशन है इनको और कनेक्ट करता है। अब इंक्लूसिवनेस ओपननेस और आसियान सेंट्रलिटी यूनिटी ये सारे जो हैं ये सारे इंडियन नोशन के साथ में बैठते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर। अब यही बात देखिए ऐसे आप लिखेंगे या मेंस का आंसर लिखेंगे तो यही पॉइंट्स होंगे, इंक्लूसिवनेस ओपननेस और ये इंडिया सेंट्रिसिज्म आसियान सेंट्रिसिज्म और ये जो कोऑपरेशन है वो सारा ये मेजर पॉइंट्स बनते हैं और इसी के ऊपर आगे आंसर लिखा जाएगा।
अब इसमें जो ये मेंशन हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स, उसके बारे में आपको सारा डिटेल निकालना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और जो हमारा एक्टिविटीज है। तो क्योंकि इसमें इंडिया शामिल है इसलिए इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर बार कोई ना कोई एक से क्वेश्चन पूछा जाता है। IORS से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बारे में मैंने कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, डिटेल भी मैंने आपको बताया है। ईस्ट एशिया समिट जिसका इंडिया मेंबर है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जो अभी अभी हुई है, ADMM प्लस जो हुई है इसमें इंडिया ने भाग लिया है, आसियान रीजनल फोरम जो है वो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेकोंग गंगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए मेकोंग रिवर इंडिया से नहीं गुजरती है लेकिन ये गंगा का जो सारा मतलब इशू है ये बांग्लादेश और इंडिया के अंदर है, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बाद में स्टार्ट होती है मेकोंग रिवर। तो ये जो नेशन से सारे के सारे म्यांमार से लेकर और आगे नीचे तक जो जाते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया जो इंडो चाइना वाले पेनिनसुला के अंदर जो जाते हैं वहां तक मेकोंग रिवर जाती है। तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के नाम से स्टार्ट होता है और मेकोंग गंगा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी एक नया बनाया गया है इसके अंदर। अब यहां पर भी एक कोऑपरेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं तो इसके बारे में आप डिटेल निकालना। दूसरा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया की नेवी की तरफ से, तो वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। सारा सेंटेसिज्म किस चीज की है, इंडियन ओशन रीजन की, IOR की, और उसके अंदर पार्टिसिपेशन की। दूसरा आइलैंड कोऑपरेशन है जो सारे पैसिफिक ओशन तक और इधर इंडो पैसिफिक के जितने भी मतलब आइलैंड्स नेशन है छोटे छोटे उनको हमने लीड किया था, उसके दो समिट भी हो चुके हैं 15 मई, और उसके जो केसेस हैं जो सारे इश्यूज हैं उनके क्लाइमेट चेंज के, जो सी लेवल राइज कर रहा है उनके जो इश्यूज हैं, जो छोटे छोटे किरीबाती आइलैंड है वानुआतू है इनके इश्यूज हमने उठाए थे, तो इनकी टोली लेके हम UN में गए थे और इनके हम लीडर भी बने थे एक तरह से। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन दिखाया था और क्योंकि सबके पास वोटिंग पावर्स तो हैं तो इसलिए भी हमारे लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो एम है उसके अंदर और भी जो जितने भी यहाँ पर जो वोटिंग्स वगैरह होती हैं UN के अंदर वहाँ पर ये कंट्रीज बड़ी क्रूशियल हो सकती हैं, सबका वोट है बराबर है। तो ये हमने एक अच्छा मूव लिया था और ये एक इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का फोरम बनाया था, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हमारे लिए है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है जो हो ही रहे लगातार और जो 2015 में इतना बड़ा हुआ था, तो ये सब बड़ी पॉजिटिव इश्यूज हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। अब इंडिया विजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो कीनोट एड्रेस हुआ था शांग्रीला डायलॉग के अंदर, उन्होंने ये बोला था कि हमारा और पैसिफिक ओशन तक जो है वहां तक हमारा स्ट्रेस होता है ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि वो जो आइलैंड्स वगैरह सारे जो हैं अफ्रीका से लेकर और ओशिनिया का पार्ट जो बन जाता है, ओशिनिया कौन सा है कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सारे जो आइलैंड्स वगैरह हैं और जो छोटे छोटे उसके आसपास हैं वो सारा ओशिनिया रीजन है, तो ओशिनिया तक हमारा एक्सटेंड होता है। तो ये हमने डिक्लेयर भी कर दिया है, ऑफिशियली हमने बोल दिया है, तो ये हमारे विजन का पार्ट बन जाता है, तो हमारा एक्टिवनेस बढ़ रहा है, वैसे भी हमारे स्टेक्स बढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा मेंस में और प्रीलिम्स दोनों के अंदर ही, तो ये आपको पढ़ने हैं। दूसरा US का एक्टिवनेस मैंने आपको बता दिया, जो आर्या एक्ट उसका आया था और उसने एक इंडो पैसिफिक कमांड भी ओपन की है, ठीक है, और एशिया रियर अश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट जो आर्या एक्ट है जो दिसंबर 18 में उसने शोकेस किया है जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कोऑपरेशन की बात जहां पर आती है तो हम अकेले चाइना को काउंटर पूरी तरह से नहीं कर सकते यहां पर, बिल्कुल सही बात है, इसलिए भी एक बड़ा रीजन है कि हम अमेरिका के साथ में है जो ऑटोमेटिकली चाइना के अगेंस्ट है ही, तो यहां पर कोऑपरेशन जो है वो चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर कर सकता है, प्रेशर डाल सकता है। प्रेशर डालना ही सबसे बड़ा इशू होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी अगर एम होता है, तो यहां पर जो स्टेप्स हैं वो सारे ही क्रूशियल होंगे। और अप्रैल 19 में इसी साल ही हमने जो इंडो पैसिफिक विंग जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ओपन किया, याद रखना ये क्वेश्चन पक्का मान लेना, ये आएगा ही आएगा इस बार प्रीलिम्स में, देख लेना आप, ठीक है। और ये सारे जो मैंने आपको बता दिया क्वाड ग्रुप है, इंडो पैसिफिक डायनामिक सारा है, वो सारा मैंने समझा दिया है, यही सारे इश्यूज हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें जो है आगे बढ़ना है कोऑपरेशन के अंदर, अब इसमें चैलेंजेस क्या रहते हैं। देखिए एक तो इंडियन ओशन जो वो हमारे देश के नाम से एक ओशन है सबसे बड़ा, तो हमारा एक वैसे ही टैगिंग हो जाता है वहां पर, तो इस टैगिंग के कारण हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और हमारा गेम भी बहुत बढ़ सकता है अगर हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तो। जैसे ऑफ सोमालिया कोस्ट पे काफ़ी जो पायरेसी वगैरह के इश्यूज हैं और वहां पर हमारी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी एक होप भी रहती है और जो यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिकाज को सबको कि इसके थ्रू ट्रेड बहुत सारा गुजरता है इस एरिया के थ्रू और फिर वो इधर ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आता है, चाइना और ये सारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब है। तो यहाँ पर एक ये सिक्योरिटी वाला फीचर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट गेन हमें कराता है। दूसरा अगर बात करें मतलब सस्पिशन की, तो चाइना और रशिया ये दोनों ही इस इंडो पैसिफिक रीजन को सस्पिशन से देखते हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिका एक्टिव रहता है,
तो ये हमेशा सस्पेशन से देखते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कोऑपरेशन है अमेरिका का, रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, चाइना के साथ भी कोई इतने बिगड़े हुए नहीं है। तो ये रीजन जो है वो बड़ा बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकता है एक्टिवली, और जहां पर हम एक जियोपॉलिटिकल सुपर पावर की तरह हम बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर ये कोऑपरेशन बड़ा अच्छा रह सकता है। लेकिन हाँ, हमें हमारी इमेज को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ज्यादा कहीं पर इंक्लाइंड ना हो जाए, अमेरिका की तरफ ज्यादा ना चले जाए, वरना चाइना और रशिया जो है वो हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो ये हमें बैलेंस भी क्रिएट करना है, तो ये चीज़ भी उससे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि अकेला यहीं का ही इशू है, इंक्लूसिवनेस का जो वर्ड होता है ना, उसके अंदर सब कुछ काउंट होता है, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए ये इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क भी है और एक बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी भी है। तो सारे स्टेक होल्डर्स को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा और हमारा एक्टिव पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ईस्ट एशिया समिट की बात करें, ये कंट्रीज सारी हैं और ये शुरुआत में जो आसियान प्लस सिक्स का जो मैकेनिज्म था उसी के हिसाब से स्टार्ट हुआ था। और इंडिया इसका मेंबर है, आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है। और बाद में ये अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को और जापान को, इन सब को और रशिया को भी, इनको भी मतलब ये दिया गया था इसका मेंबरशिप 2011 के अंदर। तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, अमेरिका हर जगह इन्वॉल्व होना चाहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, लेकिन जहां उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहां उसको पार्टिसिपेशन चाहिए, वहां पर वो हमेशा तैयार रहता है। तो अधिकतर ग्रुप्स में जहां दूर दूर तक उसका नाता नहीं होना चाहिए, वहां भी अमेरिका मेंबर रहता है हमेशा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे 2015 में पूछा गया था ईस्ट एशिया समिट के रिगार्डिंग, क्योंकि इंडिया इसमें मेंबर है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फोरम है, फिपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, और ये फिपिक जो है इसके अंदर ये सारे आइलैंड्स आते हैं। देखिए ये यहां पर इनका लोकेशन है सारा, और ये ओशिनिया का रीजन है और छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज यहां पर हैं, और जो बड़े सेंसिटिव है सामो आइलैंड वगैरह जो है, ये डेट लाइन इधर से गुजरती है और ये डेट लाइन के आसपास ये सारे जो कंट्रीज है छोटे छोटे, इनके बड़े कंसर्न्स हैं। तो इसलिए इनको भी कोई बड़ा देश चाहिए, इंडिया बड़ा देश है और इसने जो है 2014 के अंदर और ये फोरम बनाया था, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। और देखिए, फिजी का हमने कल न्यूज़ पढ़ा था, मदन लोकुर को वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये क्वेश्चन है, देखिए एक जो आर्टिकल हमारा छोटा था वेंसडे को, उसके अंदर बात थी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की, जिसमें इशू था जो रिजर्वेशन वाला, वो पीडीएफ आपके पास है ही, उसको आप देख लेना। इसमें थोड़ा बस एक इंपॉर्टेंट इशू ये समझाया गया था कि एक मेरिट का एक आर्ग्यूमेंट है, एक तो कि मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है अगर जहां पर रिजर्वेशन होता है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अभी कल ही डिसीजन आया था, कल परसों ही आया था, कि जिसमें मेरिट के आर्ग्यूमेंट को उन्होंने कैंसिल कर दिया कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं ऑफिसर्स वगैरह जितने भी हैं, उसमें जिन जैसा उनका वर्किंग है, जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो सिंसियरिटी का इशू है, जो उसके अंदर डेडिकेशन के इश्यूज हैं, तो वो कहते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन से नहीं आए हैं उनका भी वर्किंग हम देखते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा ये मतलब इस बात को ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए कि मेरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे मेरिटोरियस लोग होते भी हैं जो इस रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से आते हैं, तो ये नहीं बोला जा सकता है। और मैकेनिज्म्स बनी हुई हैं, वहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन का इशू इतना नहीं होता है, तो डिस्क्रिप्शन जहां पर ज्यादा होता है वहां पर मेरिट की बात ज्यादा आती है। लेकिन उसमें भी कोई ये आर्ग्यूमेंट बैठता नहीं है फिट कि वो लोग मेरिट उनमें नहीं है, मेहनती होते हैं, बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स उनके सामने हैं, तो डेटा जब सामने आता है तब ये चीज टिक नहीं पाती है। हमेशा मेरिट का आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई जो रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए। अब बात है एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की और एक है जॉब्स की, अब इनमें रिजर्वेशन की बात है, लेकिन एक इशू है रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, तो प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ही अजीब इशू है। अब इसमें सीधा बात करते हैं, देखते हैं, तो ये लगता है कि वहां पर भी रिजर्वेशन मिला है तो अब प्रमोशन में क्यों मिलना चाहिए, प्रमोशन तो फिर आगे मेरिट के हिसाब से चलना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इशू होता है सीनियोरिटी का, नॉर्मली सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोट होते हैं लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, लेकिन इसमें यह होता है कि सबसे जो क्रूशल बात जिस चीज के ऊपर ये सारा इशू चलता है वो है रिप्रेजेंटेशन का, कि जो जैसे दलित ग्रुप्स हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग होते हैं एसएससी ओबीसी वाले, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है ए क्लास सर्विसेज के अंदर, ऊपर जो जो कार्डन सारे होते हैं, ऊपर की जो सर्विसेज होती हैं, वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कम है इसके कारण, और इनको प्रमोट करना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अब बात करते हैं डेटा की, जैसे जो यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके अंदर भी ये डेटा सामने आया था कि बहुत ही रेयरली कोई मिलता है। एक जो डेटा कौन सी यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल आया था उसके अंदर ये था कि ओबीसी के तो एक भी कैंडिडेट नहीं थे, एससी एसटी के एक एक कैंडिडेट थे और बाकी सारे जनरल कैटेगरीज थे। ऐसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर है, जो लोअर क्लास है सी ग्रुप और डी ग्रुप के जो सर्विसेज हैं वहाँ पर तो उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है,
एसएससी ओबीसी का, लेकिन जो ए क्लास बी क्लास सर्विसेज जो है, जो ऑफिसर्स कैटेगरी जो होती है वहां पर, और उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो ऐसे में अगर ये नंबर्स मतलब कुछ ही परसेंटेज होंगे, बिलो 10% है अगर रिजर्वेशन जो रिप्रेजेंटेशन जो है, तो फिर उनको प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो एम है गवर्नमेंट सर्विसेज का, उसमें कोई हमें आइंस्टाइन नहीं चाहिए होते हैं, और अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा जिन कैटेगरीज का, और जो ऑफिसर क्लास तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर वो हेल्प नहीं कर सकते हैं रेज करने में अपने कम्युनिटीज को भी, और अपने जो मतलब जिस रीजन की वजह से उनको मिला है ये रिजर्वेशन का इशू, तो वो एम संस्था नहीं है, और इसलिए रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए वो प्रमोशंस में भी मिलना चाहिए। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का इशू होता है। अब इसमें इशू क्या है कि जब रिजर्वेशन मिलेगा तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का कोई इंसान है जो वहां पर एम्प्लॉयड है, जो ऑफिसर है, और उसकी एज ज्यादा है, लेकिन उससे कम एज का कोई इंसान है जो रिजर्व कैटेगरी से आता है, तो अगर वो जो ऊपर वाली जो पोस्ट है जहां पर प्रमोट होकर जाना है वो वाली रिजर्व हो गई इस रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो इसका प्रमोशन पहले होगा, और वो जो सीनियर पर्सन है जनरल कैटेगरी से उसका प्रमोशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन उठाया गया था सबसे पहले कि ये ऐसा क्यों हो, जो सीनियर है उसको मिलना चाहिए और एज के हिसाब से सबको आना चाहिए या फिर मेरिट के हिसाब से आना चाहिए। अब एज भी एक मेरिट मानी जाती है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, तो इसलिए ये इशू सामने आया था। लेकिन इसमें बात ये आई कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, इसलिए और इनको प्रमोट पहले करना जरूरी है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो दिया गया है और अभी ये लागू है कि सीनियोरिटी के अंदर, प्रमोशंस के अंदर भी रिजर्वेशन चल रहा है। तो यही सारा इशू इसमें डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कई तरह के दिए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हैं। अब जो एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटीज में आएंगे वो उसको पॉजिटिव ही बताएंगे हमेशा, क्योंकि वो उनके फायदे की बात है, और जो जनरल कैटेगरीज हैं वो उसको हमेशा नेगेटिव बताएंगे। तो ये एक बड़ा डिवीजन है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस तरह से डिसीजन देता है कि वो चाहे बुरा लगे किसी को, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है इक्वालिटी का, वो पूरा होना जरूरी है। और वैसे भी देखिए गवर्नमेंट सर्विसेज की जो बात है, ये आर्ग्यूमेंट ये भी है, जब भी ये बात सामने आती है कि प्राइवेट जो कंसर्न्स होते हैं, प्राइवेट जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, तो वो नहीं है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ही है। और गवर्नमेंट सर्विसेज कितनी है, कितने लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, वो 5% से भी कम है वो नंबर, टोटल जो पॉपुलेशन होती है, जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसके अंदर 5% से भी कम है। तो इसका मतलब इसका फर्क कितना पड़ कहाँ रहा है, और इसके अंदर भी जब 5% के अंदर भी और उनका रिजर्वेशन जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है, इसलिए ये करना जरूरी है, तो इसलिए ये किया जाता है। तो ये इश्यू है सबसे बड़ा। अब डिमांड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी रिजर्वेशन देने की है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अधिकतर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइवेट कंसर्न में ही होता है, और वहाँ पर ये है नहीं, तो वहाँ पर वो फेस करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रबल्स, क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, प्राइवेट जो है वही राइज कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में हो रहा है, इसलिए वो फेस कर रहे हैं ट्रबल। तो ये एससी एसटी ओबीसी के लिए भी एक स्ट्रेसफुल फेज है, तो ये भी उनकी डिमांड चल रही है लगातार। तो देखिए सारे ही आर्ग्यूमेंट हमारे सामने हैं, अब ये इसके ऊपर स्क्रूटनी हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से करनी पड़ेगी। हमारे पर्सनल इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो है उसके हिसाब से हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये था वो आर्टिकल का इशू। अब जो बात है क्वेश्चंस की, इनको आप ढूंढना, इनके आंसर्स ढूंढना, और इनका जो डेटा है वो निकालना, एडिशनल जितना भी है, प्रीलिम्स में बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है इससे, और पीआईबी का लेसन जरूर से और अटेंड करना। कल हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में, जिसमें कुछ जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो शेड्यूल 1 के अंदर जो जानवर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।